एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनाली शर्मा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनाली शर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो टाइम हुआ है 7:30। हम लोग रोज़ आजकल लेट उठ रहे हैं, मतलब नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्या, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, नींद नहीं खुलती। और 7:30 बजे की खुली, और हस्बैंड को लेट ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, तो इसलिए आज थोड़ी 7:30 खुल तो गई। हम तो 7:45 तक जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, वो सब कुछ उसके लिए लेट ना हो जाए। तो आज मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की ब्रेकफास्ट की, तो मैं आज एक न्यू रेसिपी बना रही हूँ, तो वो ट्राई कर रही हूँ, हम लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो देखते हैं कैसी बनती है। हाँ, तो सुबह हम लोग बाहर आ गए थे, चिड़िया लॉक करती है तो उसको दाना डालने आ गई थी ना, तो मैं बाहर आ गई और व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अब इस तरफ हम लोग सो उठे हैं, बस थोड़ा फ्रेश हुए हैं, अब मुझे दूध और चाय बनानी है इन लोगों के लिए, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो इस व्लॉग में बने रहना और मेरे व्लॉग को इन्जॉय करना। तो गाइस, सबसे पहले इसको भिगोना है 4-5 घंटे के लिए, और उसमें सॉल्ट डालना है, और इसको फिर साफ पानी से इसको वॉश कर लेना है। गाइस, मेरा हो गया दूध, इनको दूध और चाय दे दी है, और मैंने दाल भिगोने को रखी थी शाम को, और उसको मैंने वॉश कर लिया है फिर से देखिए, और इसके बाद उसको फ्राई करूँगी। इसका प्रोसेस मैं अब स्टार्ट करती हूँ, आप पहले रहना और स्किप मत करना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल डालना है, और उसमें सबसे पहले गर्म होने के बाद जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद मैंने हरी मिर्च डाली है, और उसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। इससे जब पेस्ट डालोगे आप तो ये थोड़ा जल सा जाएगा, तो ये बाद में ठीक हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो दाल, और उसको दाल को अच्छे से इसमें ऑयल में फ्राई कर देना, और उसके बाद ड्राई मसाले डालने, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जो आप सब कुछ आप जो सब डेली मसाले यूज़ करते हो वो डालने हैं। और उसके बाद इसको थोड़ी देर चलाना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास के करीब इसमें पानी डालना है। और उसके बाद ये देखिए, इस बिल्कुल से जो चिपका था लहसुन और अदरक का पेस्ट बिल्कुल छूट जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, 4-5 मिनट के लिए, इसको बार बार चेक करते रहना है, और उसके बाद इसको चेक करना है कि ये पक गया है, मतलब थोड़ा हल्का पका होना चाहिए, बिल्कुल पका नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको मिक्सी जार में इसको पीस लूँगी, दरदरा पीसना है इसको। तो ये देखिए गाइस, ये पीस चुका है। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, और उसके ड्राई मसाले सब कुछ इसमें ऐड हुए हुए हैं, सिर्फ इसमें हरा धनिया डालना है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पेड़ा बनाएंगे, तो पेड़े का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जितना हम लोग आलू के परांठे या प्याज के परांठे के लिए लेते हैं उतना आटा लेना है, और उसको अपने हाथों की हेल्प से ही बड़ा बड़ा करना है, साइड साइड से इसको घुमाते रहना है, और ये बड़ा बड़ा होता जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे, जितना आप लोग आटा लोगे उसी अकॉर्डिंग इसमें दाल डालेंगे। तो जितना मैंने आटा लिया उस अकॉर्डिंग मैंने 2 टेबल स्पून इसमें स्टफिंग डाली है, और उसके बाद इसको अच्छे से स्पून की हेल्प से या हाथों की हेल्प से इसको दबा देना है, और इसको साइड से जिस तरह से आप नॉर्मल परांठे को बंद करते हो उसी तरह से इसको भी बंद करना है, और इसको दबाते रहना है और साइड साइड से बंद करते रहना है। इस तरह से मोमोज भी बनाए जाते हैं, इस तरह से ही इसको बंद करना है, और ऊपर से बंद कर देना। उसके बाद मैं सभी पेड़ों को इस तरह से ही बनाऊंगी। पहले मैंने दो पेड़े बनाए थे, और उसके बाद मैंने गैस ऑन किया था, और उसके बाद मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने इसको थोड़ा ड्राई आटे में डाला, और उसके बाद हाथों की हेल्प से ही इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा किया है, आराम से बड़ा करना, जैसे फट ना जाए वैसे ही फटते नहीं है। तो उसको अच्छे से बड़ा करने के बाद बेलन की हेल्प से मैंने इसको आराम आराम से घुमाया है। अगर ये चिपक रहा हो आटा तो इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा डाल सकते हो, और इसको फिर से बेलन की हेल्प से ही बड़ा बड़ा करना है। और उसके बाद मैं इसको तवे में डाल दूँगी, और तवे में डालने के बाद मैं इसके उसमें घी डालूंगी। तो मैं घी के परांठे बना रही हूँ, वैसे ऑयल के भी बनते हैं, और उसके बाद उसमें घी लगा दूंगी। घी लगाने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, और घी के परांठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे तो ऑयल के बनते हैं, पर घी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए गाइस, मेरा परांठा बन चुका है, तो मैं अपने पतिदेव से पूछती हूँ कि कैसे बने हैं। तो गाइस, मैंने बना दिए हैं पतिदेव के लायक परांठे, 2 बना दिए, तो उनसे पूछते जरा कैसे बने, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किए है, कैसे बने? Awesome. अच्छे बने, टेस्टी टेस्टी बने।
रेडी हो गया ये ऑफिस जाने के लिए, आज इनको थोड़ी लेट भी होगी, इस थोड़ा टाइम लग गया है इसमें, तो ये रेडी है। हाँ जी ये अनायशा है। हेलो, मैं और बनाती हूँ, कर दो बाय। कहाँ है चाबी? तुम बिना चाबी के कैसे जाओगे? ये लो झोली में दे दो। बाय बाय, आ जाओ नशु। बाय पापी बोलो। बाय। तो फ्रेंड्स अनाशा के पापा चले गए हैं, नशा ने सी ऑफ कर दिया। हम लोग वैसे हमेशा गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, पर आज मुझे परांठे आंटी को भी देने थे, तो इसीलिए इसलिए मैं मेले ही गई, क्योंकि उनको भी ब्रेकफास्ट जल्दी खा बना लेते वो भी, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ अब परांठे आंटी के, और क्लिप्स अपने लिए बनाऊँगी। तो आप मुझे बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो मैं आटा लगा रही हूँ पहले हम मैं और नायशा के लिए, अब मैं फिर बनाऊँगी, तो मैं पहले आटा लगा रही हूँ, तो मैं फटाफट से आटा लगा दूँगी, और थोड़े बहुत बर्तन थे मॉर्निंग के जो दाल वगैरह फ्राई की थी वो वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने को बनाऊँगी। तो ये सब मॉर्निंग की रूटीन होती है, फटाफट से काम करना वो सब कुछ, अनायशा साथ में होती है उसके साथ बात करना, और उसका मैं झाड़ू दे दूंगी दोनों कमरे हॉल में, और फिर पोछा वगैरह जो सब जो डेली रूटीन होती है वो सब कुछ कर लूँगी। ये सुबह मॉर्निंग की रूटीन होती है, 10-11 बजे तक ये सब कुछ काम होता है, और उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, जो बर्तन वगैरह थे मिक्सी वगैरह थे जहाँ पे से निकाले वहाँ रख दूँगी, वो सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी, और उसके बाद मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन में घी वगैरह हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको विम की हेल्प से ही साफ़ करूँ। तो और मॉर्निंग के बर्तन थे जो फिर मैंने और धो लिए थे, और इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।